नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अष्टमी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं व्रत का विधि, व्रत का नियम। अष्टमी करवा चौथ के चौथे दिन पड़ता है और दिवाली के 8 दिन पहले पड़ते हैं। व्रत करने का शुरुआत बता रहे हैं, प्रारंभ बता रहे हैं। जैसे कि सुबह उठने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, स्नान वगैरह करने के बाद फिर आप पूजा पाठ कर चौकी पर आपने बिछाइए कपड़े वगैरह, माता रानी की चौकी बिछाइए। उसके बाद फिर कलश जो है रखा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके सुबह ही रखा जाता है कलश। आप पवित्रीकरण करिए, छठ क्रम करिए, फिर आपने कलश स्थापना को आप शुरुआत करिए। कलश स्थापना रखा जाता है, बंधन बार बांधा जाता है गेट पे, मुख्य द्वार पे, एंट्री गेट में। तो बंधन बार आपको बता दिए, आम के पत्ते का बनाया जाता है। निर्जला व्रत रखा जाएगा, इसमें पानी वगैरह नहीं पिया जाता है। वैसे आप यहाँ सास होंगी तो सास से आपके यहाँ जैसे रह जाता है वैसे आप कर लीजिएगा, वैसे निर्जला व्रत रखा जाता है। और उस दिन औरतें अपने 16 श्रृंगार किए रहती हैं, अच्छा लगता है। 16 श्रृंगार कोई भी व्रत होता है किया जाता है, और उसमें माता रानी को आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ाइएगा। अगर आपके पास नई साड़ी रखी है तो उसको भी आप माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। और गन्ना मंगा लीजिएगा, अगर गन्ना नहीं मिल रहा है, सिंघाड़े आजकल आ रहे हैं, हरे सिंघाड़े होते हैं उसको चढ़ाया जाता है। पुए पुए बनाए जाते हैं, पुए का प्रसाद लगता है, हलवे का प्रसाद लगता है, और पेठा मंगा के पेठा का दान दिया जाता है। उस दिन मिट्टी आप मत खोदिएगा, जैसे गमले में कोई पौधा लगा रही हैं या निराई गुड़ाई कर रही हैं पौधे का, तो ये सब आप मत करिएगा। उस दिन मिट्टी का काम नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। आपके अंदर शंका हो कि ऐसे क्यों बोल रही हैं, मिट्टी मतलब खोदने से जीव जंतु उसमें रहते हैं तो कट जाते हैं, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। मिट्टी के द्वारा ये सब कथा आपको उसमें पढ़ेंगी तो देखा जाएगा कि उस कथे में मिट्टी खोदने से ही इतना बड़ा सब उनके साथ हुआ था अनहोनी, इसलिए मिट्टी नहीं खोदी जाती है। उनको आपको सुबह हम बता दिए, सुबह का जो दिनचर्या है उसको हम बता दिए आपको। अब शाम को उनका पूजा पाठ किया जाएगा। शाम को ही आप माता रानी की पूजा करेंगी, फिर से आह्वान करेंगी आप शाम को माता रानी को, वही सब श्रृंगार का सामान साड़ी वगैरह शाम को चढ़ाइएगा। अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुंदरी मंगा लीजिएगा, छोटे से चुंदरी पूजा वाली आती है, माता रानी को ओढ़ा दीजिएगा। तो उसके लिए हम बता दिए आपको, पूजा आरती वगैरह कर लेना, अग्ञारी कर लेना। शाम को जो पूजा करेंगे आप बच्चों, पूजा करने के बाद बच्चों का तिलक होगा, अब फिर माता रानी से जो कामना आपको अंदर हो मांगने के मांग लीजिएगा। बच्चों के प्रति उनको तिलक लगाना है, उनकी आरती करनी है, अब फिर आपको व्रत तारे को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। इसमें अभी अष्टमी में सफेद चीज़ की भोग नहीं लगाई जाती है, सात्विक चीज़ बनाइएगा खाना भोजन में। जैसे बच्चों को बनाना, किसी को बनाना है घर में परिवार में, अपने लिए भी शाम को जो बनाएंगे आप, सात्विक भोजन होना चाहिए। और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना जाता है, इसमें काला कपड़ा नहीं पहना जाता, निषेध माना गया है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।